महबूबा एक थी अब जाने मन हजारों हैं। ओ फक लव ये प्यार बिकता है बाजारों में। नशे का दौर था तब स्याही चखी मैंने। लौंडे बोले गाने चरस भाई क्या रखा है मैं खानों में। फक बिच इज लाइफ इज इन द इजी टू बार्स एंड आई एम फीलिंग लाइक जीजी। चूत थले रखे मैंने किया किसको प्लीज नहीं। अब बंदी जगह मुझे बोले बेबी इट्स सो क्रीमी। ये फक बिच इज लाइफ इज इन द इजी टू बार्स एंड आई एम फीलिंग लाइक जीजी। चूत थले रखे मैंने किया किसको प्लीज नहीं। अब बंदी चके मुझे बोले। नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। आई नो मैं फिर से थोड़ा सा लेट हूँ, पर डीनो जेम्स का एक और नया ट्रैक आ चुका है जिसका नाम है बॉयफ्रेंड पार्ट वन। आई हैव बीन लिसनिंग अबाउट दिस ट्रैक अ लॉट कि बहुत सही है, बहुत अलग है। मैं कोई तो हिप हॉप म्यूज़िक क्या कहते हैं न्यूज़ चैनल भी देख रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि एक दो रैपर थोड़े खफा भी हैं कि why Dino, why did you do this? मेरे को नाम याद नहीं आ रहा रैपर का। And which made me more curious that what's up with this track, I need to check it out. थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, मैं अपने ट्रैक में बिजी था। जिसने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पर मैंने अपना अपने नए ट्रैक का, आने वाले ट्रैक का विदाउट यू का पोस्टर रिलीज़ कर दिया है। गाना भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा गाना सुनते हैं, डीनो जेम्स बॉयफ्रेंड पार्ट वन फीचरिंग बिनाफ्शा सोनावाला, म्यूजिक प्रोड्यूस बाय ब्लूइश म्यूजिक। आई होप मैंने उनका नाम सही लिया, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए अब सीधा सुनते हैं। 3, 2, 1 एंड कभी वो बहुत हॉट लगती, कभी कुछ ज्यादा ही क्यूट, पर मैं एक स्मॉल टाउन लड़का, ये आई एम ट्राइंग टू बी द डूड। हाँ मैं जानता हूँ अच्छे से कि वो ज्यादा है मासूम, पर पता नहीं मुझे खुद चीजों का क्यों चाहूँ मैं प्रूफ। अच्छा लग रहा हूँ ना चेक करता रहता जब भी उसके साथ, कोई हंस तो नहीं रहा मुझ पे, उड़ा तो नहीं रहा मजाक। बस सहमा सहमा रहता हूँ और रहता हूँ घबराए, चाहता हूँ हर पल मुझसे बोले यू आर परफेक्ट गाय। कुछ गड़बड़ है हमेशा कहता रहता ये दिमाग, रहता क्वेश्चन मार्क और ढूंढू उसके कैरेक्टर पे दाग। हमेशा रखना चाहूँ पास और करता रहता हूँ। I'm hooked to this track. 1:18 हो गए हैं। I want to say so much, बट मैं पॉज करना नहीं चाहता था। मैं लिटरली मैंने अपने आपको बोला कि नहीं रवि पॉज कर, कुछ बात कर गाने के बारे में, बिकॉज मैं सिर्फ एक बार ऐसे देख के रिएक्शन नहीं देता हूँ। आई टॉक अबाउट द ट्रैक। इफ आई टॉक अबाउट द ट्रैक तो म्यूज़िक बहुत ही स्टेबल जाता है शुरुआत में, एंड जब वो स्टोरी लाइन प्रॉपर एक शुरू होने वाली होती है, जब एक थोड़ा सा एजी ग्रे साइड दिखता है आशिक का, तब म्यूज़िक पिक होना शुरू होता है। आई एम क्वाइट लाइकिंग देयर केमिस्ट्री, बहुत रियल लग रही है। एंड आई एम ऑल्सो लाइकिंग द फैक्ट कि गाना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लड़कियों के पर्सपेक्टिव पे है ये गाना, शायद नहीं, देखते हैं। शिनाक पकड़ू मैं रंगे हाथ, ढूंढता रहता हूं मैं चांस, कैसे मेरे बिन समझ नहीं आता, हंस लेती है वो। क्योंकि इस ट्रैक में ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हिज ओन इनसिक्योरिटीज। मैं तो उसके बिन हर किसी को बस कह देता हूँ नो, मिस करता हूँ उसको रोज, बस करता नहीं हूँ मैं शो, मैसेज का वेट करता हूँ ताकि मैं कर पाऊँ इग्नोर। हम साथ हैं फिर भी लगता है तुझे करता हूँ मैं चेस, कभी मुझे अपनी लगती कभी लगती है गेस, काश ये सारे ठेस तुझे बता पाऊँ मैं बेब्स, आई विश तुझे रख पाऊँ मैं सजा के इन अ केस। तुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज, क्यों बन गया हूँ मैं सहमा सजा सुस, क्यों खुद के लगाए इस आग से मुझे तू बचा ले। करता हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी में, भुला नहीं पारी पास,
शायद अब भी उसके टच में है छुपा रही है कोई रास। उसके सामने नॉर्मल रहता हूँ, पहना रहता 100 मास्क, फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच। कोशिश करता रहता उसके फोन का कैसे खोलूं लॉक, फटके हाथ में आ जाती है जब फोन आता है स्विच ऑफ। शी मस्ट बी राइडिंग विद द बॉस, ऐसे ख्वाब देते खौफ। सुंगू चुपके सुमे उसके सारे पहने उतरे टॉप। हमेशा कहती मेरा भाई है वो हराम ज्यादा से, उसके मैसेजेस गलती से मैंने कर लिए थे रीड। हे सीड कैन यू स्पीक व्हेन डीनो गोस टू स्लीप, मुझ पे कर रही थी वो चीट वो हराम ज्यादा बिच। मन में हर क्षण है बस टेंशन जब बढ़ जाए तू, कंफर्म में लौंडे हरदम कहेंगे तेरे लायक। Did she actually cheated on this guy or बस एक मैसेज पढ़ के चूतिये ने बस ये सोच लिया। लिखे सारे ग्रंथ उसमें है डाय तू, मंथन करता हूँ और सत्संग उसकी बजाय तू। कौन सिम ख्यालों के कम पर ये वापस आए क्यों, लक्षण है सब जन कहेंगे मुझे सारे साइको। मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, तेरे हवाले। मेरे को बहुत पसंद आ रही है म्यूजिकलिटी, मतलब डीनो जेम्स की आवाज, सुर इतने तगड़े नहीं होते बट जो म्यूजिकलिटी है गाने की वो बहुत सही है, बहुत प्यारी है। गाहू खुद से ही मुझोरी में चैन सुकून में करता हूँ तेरे हवाले। दिस ट्रैक इज इंटरेस्टिंग मैन, क्यों नहीं पसंद आया उस रैपर को, दूसरे रैपर को, क्योंकि शायद अलग है, बहुत अलग है। Dino? Dino? मैं तेरे को सारी रात फोन ट्राई कर रहा था, कहाँ गई थी तू? I slept early babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रोस्ट, दूर रह मुझसे, समझी ना तू? अरे पर हुआ क्या है? What the fuck is wrong with you? बताओ, इनके प्यार में पड़ा था और ये खेल रही थी गेम्स। What? मेरे नाम से जोड़ा नेम और कहीं और हो रहे कपड़े चेंज। Shut the fuck up! Do you even know what you're saying? You shut the fuck up! मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं अगेन। अरे पर हुआ क्या है? मुझे एटलीस्ट बताएगा क्या तू? तेरा फोन देखा, सिड के साथ मस्त मचा रही है ना तू? Oh my God! और देखा सामने आई क्या ना बेटा एंड में ट्रूथ, अच्छा करता होगा स्मूथ और तू भेज रही होगी न्यूज़। I can't believe it. Shit. मेरा भाई है। अच्छा भाई के साथ में सोकर आई है, सही है बेटा सही है। Shut up! Shut up! Shut up! कॉन्वर्सेशन है, राइम भी नहीं कर रही एंड स्टिल मेरे कानों को अच्छी लग रही है। इट्स मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल ही राइम नहीं कर रही, बैंचो तोते को चील से मिलाया जा रहा है, बट यू गेट द पॉइंट कि मतलब हर लाइन राइम नहीं कर रही है एंड येट इट्स सो पोएटिक। नाइस। तेरी गलती नहीं है, इट्स रियली नॉट योर फॉल्ट, तुम सारे साले सेम हो। डैम यू, फक यू ऑल। मुझे तेरी सोच पे जाने क्यों तरस आता है दी? यू डोंट नीड अ फकिंग पार्टनर, यू नीड अ फकिंग डॉल। तेरे बाप दादा ने डाली है तेरे अंदर गंदी सोच, बस यही तुम्हारा मेक है। दिस इज योर जेनेटिक कोड, सो डोंट यू फकिंग टच मी, लीव मी, मुझे छोड़। तेरे शक और इनसिक्योरिटी का नहीं है कोई तोड़। गर्ल्स को प्रोडक्ट समझते हैं ऑलमोस्ट सारे मेन, पर तू तो एकदम परफेक्ट आ रहा, 10 out of 10। मतलब जो भी तूने किया था वो करा था प्रिटेंड। मैं पागल थी जो सोच रही थी कि माय डी इज डिफरेंट। हाँ मैं सिर्फ रात भर चुपके चुपके बातें करती थी, तुझे प्रपोज करने का आइडिया कोई लग नहीं रहा था ठीक, पर तू शक में इतना अंधा था ऑब्वियसली यू कांट सी कि घर पे मैंने बोल दिया है विल यू मैरी मी। Shit.
चैन सुकून मैं करता हूँ तेरे हवाले। बहुत आला ट्रैक है भाई, बहुत प्यारा ट्रैक है। आई डोंट नो व्हाट द फक इज रॉन्ग जिसको भी ये गाना पसंद नहीं आया। इट्स सो पोएटिक, इट्स सो रिफ्रेशिंग एंड इट्स सो डिफरेंट। आई मीन मुझे बहुत मज़ा आया। गज सही है भाई हिप हॉप में कुछ ऐसा नया देने के लिए भी। एन एफ ऐसे करता है, मतलब ही टॉक्स अबाउट हिज शिट इन हिज ट्रैक्स एंड आई लाइक दैट। एंड आई लाइक द फैक्ट दैट ये पूरी पूरी की पूरी कहानी बुनी है इनसिक्योरिटी, जेलसी एंड ओवर थिंकिंग के ऊपर, जो गाइज डू हैव। Sometimes it is justified, sometimes it is not, and in this case it was not at all. But yet I don't know, part 2 mein kahi pata lage pehchan kuch alag hi cheez scene chal raha tha. But yeah, I love the track, I love the hook, I love the vibe. 10 on 10 hai boss track, I love the track. यही था मेरा रिएक्शन, यही था मेरा रिव्यू। आई होप यू गाइज लाइक डिट। इफ यू डू प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। अभी के लिए मैं निकलता हूँ यहाँ से, फटता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। The time, baby, थोड़ा सा सबर कर, जैसे हुआ तेरा मैं, baby, होगी जल्दी मेरी तू, जैसे हुआ तेरा मैं, जैसे हुआ तेरा मैं, जैसे हुआ तेरा मैं, जैसे हुआ तेरा मैं। I choose you then, I choose you now, and I'll keep choosing you.